आसान तरीके से ना से नाग देवता का चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदी का आपको पहले एक ना लिखना होगा, इधर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे नीचे करते हुए ऐसे बढ़ा दीजिएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक लाइन और ड्रॉ करना होगा, इधर से एक स्ट्रेट लाइन आसानी से ड्रॉ कर दीजिए। ऊपर के साइड में इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों बीच में आपको 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ करना है। इसको यहाँ से ऐसे छोटे छोटे आर्क लगाते हुए मिला दीजिएगा। तो ये शिव जी का यहाँ पर आप त्रिनेत्र बना दीजिएगा, इधर ऐसे करेंगे, यूँ मिलाइए। तो ये हमारा शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। शिवलिंग बनाने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आसानी से। यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, इसको नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों इसको हमें डबल करना होगा और आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान शिव जी की जय जरूर लिखिएगा। इधर से छोटा सार्क लगाएंगे, यहाँ से ऐसे लगाइए, फिर इसको भी हमें ऐसे मिला देना है। नीचे की तरफ भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाइए और इसको कर दीजिएगा डबल। दोस्तों डबल हो जाने के बाद इधर से ऐसे आर्क लगाएंगे, यूँ यहाँ पर हो जाएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा, एक बार यहाँ पर, एक बार इधर, एक बार इधर। इसके बाद अब देखिएगा इस वाले सिरे से क्या बनता है। आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे करिए डबल इसको, फिर नीचे भी ऐसे डबल करिएगा, ऊपर भी ऐसे ले जाएंगे। इसको यहाँ से यूँ मिला दीजिए, नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इसको ऊपर करना होगा, इधर से यूँ ले जाएंगे और इसको भी आसानी से कर दीजिएगा डबल। दोस्तों बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों यहाँ से ऐसे जाएगा, यूँ इधर जाएगा, इसको थोड़ा सा और इधर ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे। इसके बाद ये वाला पोर्शन इधर ऐसे बढ़ेगा, यहाँ से भी डबल कर दीजिए और इसमें आपको छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देना है। जितने आपने डबल यहाँ पर किया है वहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ से आपको छोटा सा नीचे ले जाना होगा, इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, यूँ इधर जाएगा। तो यहाँ पर आई बनाइए, एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन इधर ऐसे। इसके बाद दोस्तों आपको एक सर्कल बनाना है और इधर एक फ्लावर बना दीजिएगा। फ्लावर बनाने के बाद इधर आप ऐसे दिया भी बना दीजिए, जलता हुआ दिया बन जाएगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इधर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे ग्रास बना देंगे, छोटी बड़ी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। तो आसानी से हमारा ये सुंदर सा शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा।